योगी की ताजपोशी से पहले यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। शाह की मौजूदगी में विधायक दल का चुना जाएगा नेता। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा। कल शाम 4 बजे होगा योगी की राष्ट्र तिलक। दूसरी बारी में एक बार फिर से सीएम पद के लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। योगी के शपथ में उद्योगपतियों और मुख्यमंत्री को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से पहले सीएम आवास को सजाया गया। पूरा लखनऊ रोशनी से जगमग। 25 मार्च से पहले कान्हा स्टेडियम को दिया गया भव्य और दिव्य रूप। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश दिया स्लोगन। एसपीजी ने स्टेडियम को अपने घेरे में लिया। कान्हा स्टेडियम में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। पूरे स्टेडियम की ड्रोन से हो रही निगरानी। क्रिकेट पिच को बनाया नुकसान पहुंचाने की तैयारी। शपथ ग्रहण से पहले एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा के घर की बैठक बड़ी बैठक की है। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर मंथन। यूपी विधानसभा के सचिवालय में नवनिर्वाचित विधायकों को भेजा गया पत्र। योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए विधायकों को सचिवालय में लेना होगा आमंत्रण पत्र। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वीवीआईपी को भेजा जा रहा है आमंत्रण पत्र। राज्यपाल सिद्धिया समारोह में शामिल होने का न्योता। आमंत्रण पत्र की तस्वीरें सामने आई। बरेली में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में बीजेपी बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर किया जाएगा शपथ का लाइव प्रसारण। यूपी के आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं डिंपल यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। करहल के विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। लखनऊ में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात। दोनों के बीच गठबंधन पर हुई बात। सूत्रों के हवाले से खबर। आज से शुरू यूपी बोर्ड की परीक्षा। सीएम ने ट्वीट करके छात्रों को शुभकामनाएं दी। लिखा कि बिना किसी तनाव के परीक्षा दें छात्र। आपकी मेहनत निश्चित ही सुखद नतीजे देगी। नकल विहीन यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा प्लान। कंट्रोल रूम से होगी पूरी निगरानी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा सोनभद्र जिला प्रशासन। यूपी में रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक सौंपी जिम्मेदारी। चित्रकूट में भ्रष्टाचार उजागर की मांग को लेकर अनशन पर जाने की सभासद ने कही बात। जांच न किए जाने पर आगामी 25 मार्च से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव के हाईकोर्ट ने आदेश के पालन के लिए दिया 1 महीने का वक्त। हाईकोर्ट ने कहा सचिव ने आदेश की अवहेलना की है। एमएलसी चुनाव में सपा को एक और बड़ा झटका। सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र के रमेश यादव ने नामांकन वापस लिया। काशीपुर में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने भी पर्चा वापस किया। डीएम ने 2 प्रत्याशियों के नामांकन वापसी और 2 के मैदान में होने की पुष्टि की। चित्रकूट पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के पीएम का पुतला फूका। बांग्लादेश में घुसकर सबक सिखाने की चेतावनी दी। बिजनौर में भांजे ने की थी मामा की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी भांजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। अमरोहा में टूटकर सड़क पर गिरी हाईटेंशन लाइन। रोड पर एसटी लाइन गिरने से यातायात बाधित हुआ। श्रावस्ती की राप्ती नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। पुलिस की गोताखोर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर किया। मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसते हुए 47 लाख रुपए बरामद किए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बसों का सफर 1 अप्रैल से शुरू होगा। 3 नॉन स्टॉप बसें आजमगढ़ और मिर्जापुर के लिए चलेंगी। बिजनौर में शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकली शराब पर ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर करता था सप्लाई। कासगंज में बुजुर्ग महिला की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा की यमुना नदी में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तिंदवारी थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का मामला। फतेहपुर में बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप। मामले विवाद में बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। पीलीभीत में बोर्ड के पेपर को लेकर डीएम ने की मीटिंग। जिलाधिकारी ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए।
बिजनौर के नेहटौर इलाके में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जौनपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता, इस सामने क्राइम ब्रांच की टीम ने व्यापारी की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में सपा नेताओं को भी योगी के बुलडोजर पर भरोसा, सपा नेता का सप्रेम बुलडोजर उपहार में लेते वीडियो वायरल। चंदौली में ऑटो चालक की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पांच आरोपी अभी भी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। महाराजगंज में पुलिस ने किया बीजेपी नेता की हत्या का खुलासा, आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। चंदौली में दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन, किसानों को आधुनिक खेती के साथ पारंपरिक खेती की भी दी गई जानकारी। श्रावस्ती के संयुक्त जिला चिकित्सालय में बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, डीएम ने फीता काटकर किया एसएनसीयू वार्ड का उद्घाटन। यूपी में दिखने लगा योगी सरकार का खौफ, हाथ में तख्ती लटका कर थाने पहुंचा हत्या का आरोपी, जिंदगी की गुहार लगाता नजर आया। उत्तराखंड में आज होगी धामी कैबिनेट की पहली मीटिंग, पुष्कर सिंह धामी सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, आठ मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तराखंड में फिर से पुष्कर राज, पुष्कर सिंह धामी ने ली 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पुष्कर सिंह धामी समेत आठ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास को बनाया गया मंत्री। बीजेपी विधायक सुबोध उनियाल ने धामी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, नरेंद्र नगर सीट से विधायक है सुबोध उनियाल। विधायक सतपाल महाराज ने ली मंत्री पद की शपथ, चौबट्टा खास सीट से विधायक है सतपाल महाराज। विधायक धन सिंह रावत ने ली मंत्री पद की शपथ, श्रीनगर सीट से विधायक है धन सिंह रावत। विधायक चंदन रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ, बागेश्वर सीट से विधायक है चंदन रामदास। विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने ली मंत्री पद की शपथ, सितारगंज सीट से विधायक है सौरभ बहुगुड़ा। विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ली मंत्री पद की शपथ, ऋषिकेश सीट से विधायक है प्रेमचंद्र अग्रवाल। विधायक रेखा आर्य ने ली मंत्री पद की शपथ, सोमेश्वर सीट से विधायक है रेखा आर्या। पुष्कर सिंह धामी सरकार में गणेश जोशी बने मंत्री, गणेश जोशी ने ली मंत्री पद की शपथ, मसूरी सीट से विधायक है गणेश जोशी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हरिद्वार पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, हर की पौड़ी पर सीएम धामी ने गंगा आरती की, कई मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। सीएम पद की शपथ लेते ही पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। उत्तरकाशी में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाली आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चंपावत पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार, आरोपी ने बनबसा से रहने वाले युवक के खाते में से पार कर दिए थे करीब 1.5 लाख रुपए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, पूर्व अध्यक्ष राव आफा खली ने आरक्षण में गड़बड़ी का लगाया आरोप। चमोली के गोपेश्वर में निकाला बीजेपी ने विजय जुलूस, एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जसपुर में नगर पालिका की लापरवाही से मोहल्ले में लगा जगह जगह कूड़े का अंबार, कूड़े के कारण शहर में बीमारी फैलने का डर। चित्रकूट में सड़क पर बाघ दिखने से दहशत, बाघ की दहशत से रास्ते पर घंटों लगा लंबा कतार। चारधाम यात्रा के लिए अभी से बुकिंग होने पर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर, पर्यटक ऑनलाइन करा रहे बुकिंग। यह मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे भगवंत मान, मुख्यमंत्री बनने के बाद मान की पीएम से पहली मुलाकात, पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी का उठा सकते हैं मुद्दा। आज बीरभूम जाएंगे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने की हिंसा की बड़ी निंदा, बोले कि जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, दोषियों को सजा दिलाने में मदद करेगा केंद्र। बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीएम ने कहा जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिले। पीएम मोदी ने कहा सजा दिलाने में केंद्र सरकार मदद करेगा, पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। बीरभूम हिंसा पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी डेलीगेशन ने किया बीरभूम में घटना स्थल का दौरा, बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी के आरोप पर भड़के ममता बनर्जी, बीजेपी पर पलटवार करते हुए बोली ममता साजिश रचने वाली पार्टी है बीजेपी। ममता बनर्जी पर हमलावर हुई बीजेपी, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई या एनआईए जांच हो।
बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट का आदेश हिंसा वाले जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, मामले की फॉरेंसिक जांच शुरू की जाए। वर्ल्ड नंबर वन महिला टेनिस प्लेयर एश्ले बार्टी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में लिया संन्यास, बोली कि अब मेरे में दम और इच्छा शक्ति नहीं। और तीसरे दिन भी जारी है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, कीव में लड़ाई हुई तेज, नाटो देशों की आर्कटिक ट्रेनिंग ड्रिल। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिसेल्स और पोलैंड के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस के खिलाफ पोलैंड का एक बड़ा एक्शन, जासूसी के आरोप में 45 रूसी राजनयिकों को पोलैंड से बाहर निकाला। रूस ने नाटो देशों को फिर से दी धमकी, कहा कि यूक्रेन में नाटो का शांति सेना भेजना मतलब सीधी जंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा ऐलान, जो देश दोस्त नहीं वो तेल गैस खरीदने को करे रूबल में भुगतान, रूस की संपत्तियां जब्त करने से भड़के हैं पुतिन। यूक्रेन पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला, रूसी हमले में मरियोपोल शहर मलबे में हुआ तब्दील, मरियोपोल में हर तरफ तबाही के निशान। कीव में रूसी सेना को मिली एक बड़ी कामयाबी, रूसी सेना ने यूक्रेन का S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह किया। यूक्रेन में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी दनादन तोपे बरसा रहा रूस। यूक्रेन में और तेज हो सकती है रूसी हमले, भारी मात्रा में लाए जा रहे हैं रूसी जंगी टैंक समेत दूसरे जंगी साजो सामान। यूक्रेन में पुका और साथ ही गोस्टो मेल में भीषण जंग जारी, दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर कर रही ताबड़तोड़ फायरिंग। जंग के बीच रूस की ओर से लोगों में बांटी जा रही राह सामग्री, लोग कतार में लग कर ले रहे हैं जरूरत की चीजें। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा, रूस का बयान, अगर अस्तित्व तो खतरे में पड़ा तो सुरक्षा के लिए करेंगे एटम बम का इस्तेमाल। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने किया दावा, रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा। स्लाव्यांस में यूक्रेन की सेना पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, रूस की वायुसेना ने यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर की एयर स्ट्राइक। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, यूक्रेन सैनिकों ने नष्ट किया विशाल रूसी काफिला। डोनेस्क पीपल रिपब्लिक आर्मी का ऑपरेशन लगातार जारी, कीव की बाहरी इलाकों में कामिका पर कब्जा करने के लिए संघर्ष जारी। यूक्रेनी सेना की ब्रिगेड पर डोनेस्क की सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला, यूक्रेनी सेना के 3 टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई सैन्य उपकरण तबाह किए। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के हमले लगातार जारी, रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ चेर्निहिव का स्कूल। मरियोपोल में हर तरह तबाही का मंजर, रूसी हमले में तबाह हुआ पूरा का पूरा शहर, हर तरह बिखरा हुआ है मलबा। यूक्रेन में क्रिविरी शहर में रूसी सेना ने की भारी बमबारी, रिहायशी इलाकों पर लिया हवाई हमला। काला सागर में रूस के युद्धपोत एक्टिव हुए, युद्धपोत से यूक्रेन पर दागे क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के डोनेस्क शहर में रूसी सेना के हवाई हमले लगातार जारी, रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। यूक्रेन में गश्त लगा रही चेचेन लड़ाकों की बटालियन, चेचेन चीफ कर रहे हैं लड़ाकों की अगुवाई। यूक्रेन में लगातार बज रहा है हवाई हमले का सायरन, यूक्रेनी सेना ओडिशा में लगातार कर रही है अलर्ट, लोगों को बंकर में जाने के लिए बज रहा है सायरन। यूक्रेन में सैनिकों का रूस को करारा जवाब, तबाह किए रूसी सैन्य वाहन, हर दिन रूस की सेना को हो रहा भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना के ब्रिगेड पर डोनेस्क की सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला, यूक्रेनी सेना के 3 टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियां समेत कई सैन्य उपकरण तबाह किए। रूस ने यूक्रेन के 67 सैनिकों को बनाया बंदी, राजधानी कीव में एक कमरे में कैद नजर आए यूक्रेनी सैनिक। रूस के बीयू के M3 एयर डिफेंस सिस्टम का कहरे के बाद एक यूक्रेन में 2 अटैक एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। यूक्रेन में जारी है रूस का स्पेशल ऑपरेशन, इस अभियान में शामिल रूस के बीयू के M3 एयर डिफेंस सिस्टम।